वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डिफरेंट सी वीडियो जो है स्पेशली फॉर द कॉलेज गर्ल्स। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कॉलेज मेकअप लुक्स। यस, मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ दो मेकअप लुक शेयर करूँगी डिफरेंट टाइप्स के, एंड कॉलेज हेयर स्टाइल एंड हाउ टू स्टाइल योर आउटफिट। करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड उसके साइड में एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट लुक शेयर करूँगी। सो फर्स्ट लुक के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन हम अपनी कोई भी फेवरेट लिप बाम से अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। मैं यहाँ पे पर्पल की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये लिप बाम हमारे लिप्स को अच्छे से हाइड्रेटिंग कर देता है एंड अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लोटस की वाइट ग्लो क्रीम यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे कोई भी ग्लोइंग क्रीम या फिर कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ये एक जेल क्रीम है जिसके अंदर SPF अवेलेबल है। आप कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ करें जिसके अंदर SPF अवेलेबल हो, बिकॉज ये हमें सन से प्रोटेक्शन देता है। एंड ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये आपको 100 रुपीज़ में ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। यह है लोटस की वाइट ग्लो जेल क्रीम। हमें इसे डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। एंड ये ईज़िली ब्लेंड हो जाती है। फिंगर्स की हेल्प से हमें किसी भी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है इसे ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज ये जेल के फॉर्म में अवेलेबल है। देन हम उसके बाद अपनी आईब्रो फिल करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की, ये आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी। तो मैंने अपनी दोनों आईब्रो को फिल कर लिया अच्छे से। यूज़ करेंगे काजल। मैं यहाँ पे लैक्मे की काजल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी कोई भी फेवरेट काजल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी आइज़ की फ्लोर वाटर लाइन होती है, हम उसमें काजल को अप्लाई करेंगे। आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हैं काजल लगाने के बाद। सो लोअर वाटर लाइन में काजल अप्लाई करने के बाद हम अपनी अपर वाटर लाइन में भी काजल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी लिपस्टिक ले लेंगे। मैं यहाँ पे बी ब्लश्ड की लिपस्टिक ले रही हूँ। ये काफ़ी अफोर्डेबल लिपस्टिक है एंड इसका टेक्सचर है जो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। सो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे कोई लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल है तो हमेशा न्यूड लिपस्टिक्स का यूज़ करें या फिर लिप ग्लॉस का यूज़ करें। सो गाइज़ मैंने जो लिपस्टिक यहाँ पे अप्लाई की थी उसे ही मैं हल्का हल्का अपने चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी। एंड हम इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। एंड देन ब्लश अप्लाई करने के बाद हम उसे लिपस्टिक से हल्की हल्की अपनी आई शेडो अप्लाई कर लेंगे। देन हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। साथ शेयर करूँगी अपना सेकंड मेकअप लुक। सबसे पहले हम अपनी कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करूँगी पर्पल की लिप बाम एंड इससे अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। भी सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पे लोटस की वाइट ग्लो सनस्क्रीन क्रीम यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर SPF है। ये स्टार्टिंग के स्टेप्स जो फर्स्ट लुक में मैंने किए थे वो वही सेम है, बस मैंने इस सेकंड मेकअप लुक में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स इंक्लूड किए हैं। ये स्टेप्स सभी फर्स्ट लुक वाले ही हमें फॉलो करने हैं स्टार्टिंग में। यूज़ करूँगी पॉन्ड्स की BB क्रीम जो हमने फर्स्ट मेकअप लुक में यूज़ नहीं की थी। सो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो थोड़ा नेचुरल ग्लो देने के लिए अपने फेस पे। तो जस्ट थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ले ली है एंड हम इसे डॉट डॉट करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो फिंगर्स की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, ईजिली ब्लेंड हो जाती है फिंगर से भी, बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही ब्लेंड करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना, बट अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं। करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे वाइट टोन का लूज़ पाउडर काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हल्का हल्का हम इससे अपने बेस को सेट कर लेंगे। अपनी आईब्रो को फिल करेंगे किसी भी आईब्रो पेंसिल के साथ। मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे लैक्मे की काजल। मेरी आईज़ में काजल ऑलरेडी लगी हुई है बिकॉज मैंने पिछले मेकअप लुक में भी अप्लाई की थी। यहाँ अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन में काजल अप्लाई कर ली है दोनों आईज़। यहाँ पे यूज़ करूँगी स्केच आईलाइनर। आप यहाँ पे कोई भी लिक्विड या स्केच आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्केच आईलाइनर यूज़ कीजिए, ये लगाने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। मैंने ऑफलाइन ही अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मस्कारा। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ करूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी की मैट मी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। न्यूड शेड है, ये काफ़ी अच्छा प्रिटी न्यूड शेड है। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे। मैंने अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। आप अपनी कोई भी फेवरेट शेड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिपस्टिक को थोड़ा सा हैंड पे लेंगे, जस्ट हमें थोड़ा सा इसे हैंड पे लेना है एंड इसे हल्का सा लेके अपने चिक्स पे अप्लाई करेंगे। देन हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। देन हम इसी लिपस्टिक को लेंगे एंड अपने आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे। मैंने दोनों लिड पे लिपस्टिक अप्लाई कर लिया हल्की हल्की। थोड़ी सी हम अपने नोज़ पे अप्लाई कर लेंगे। हमारा मेकअप हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। करेंगे हमारी एक्सेसरी, बट उससे पहले हम अपने हैंड्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे किसी भी बॉडी लोशन के साथ। तो मैंने यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का बॉडी लोशन यूज़ किया है। बॉडी लोशन लगाने के बाद मैं यहाँ पे वेयर करूँगी अपनी वॉच। आप कोई भी वॉच या ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं अपने हैंड्स में। वॉच वेयर कर ली है। आप चाहे तो आप कोई ब्रेसलेट या कुछ भी वेयर कर सकते हैं अपने हैंड्स में। मैं कानों में यहाँ पे छोटी छोटी बाली वेयर करूँगी। बाली वेयर कर ली है यहाँ पे मैंने। कॉलेज गर्ल्स पर बाली अच्छी लगती है। आई थिंक कॉलेज गर्ल्स के पास एक दो पेयर तो होना ही चाहिए बाली का। ये सबसे छोटे साइज़ वाली है मेरे पास, एंड इससे बड़े साइज़ वाली भी हैं। तो मतलब ये अलग अलग साइज़ में आती हैं, तो आपके पास वो होना चाहिए जो हर एक आउटफिट के साथ चल जाती हैं वो, एंड कॉलेज में अच्छी भी लगती है। करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे हेयर स्टाइल की। सो अब हम बनाएंगे हमारा हेयर स्टाइल। सो हेयर स्टाइल में हमें कुछ नहीं करना है, जो सिंपल हमें आगे से बाल लेने हैं। इसके लिए हम अपने हाफ बाल ले लेंगे फ्रंट में से, एंड उन्हें एक रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। एंड देन हमें आगे से थोड़े से बाल लेने हैं, इधर से एंड इधर से हम लेंगे थोड़े से बाल। एंड ऊपर से हम थोड़े से अपने बाल पुल आउट कर लेंगे। एंड दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल लुक। फाइनल लुक गाइस, मेकअप लुक एंड ड्रेसअप हमारा हो चुका है। देन हम बात कर लेते हैं फुटवियर की। सो मैं इसके साथ कैरी करने वाली हूँ ये मेरे स्नीकर्स, एंड ऑफ कोर्स ये कॉलेज मेकअप लुक है तो विदाउट शूज़ तो ये इनकम्प्लीट ही है गाइज़, बिकॉज कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए शूज़ इज़ द परफेक्ट ऑप्शन। स्नीकर्स एंड शूज़ ज़्यादा बेटर लगते हैं हमारे हर एक आउटफिट के साथ, एंड ये हर आउटफिट के ऊपर परफेक्टली मैच होते हैं। हम किसी के साथ भी नहीं कैरी कर सकते हैं, कैसे भी आउटफिट के साथ। सो मैं इसके साथ यहाँ पे कैरी करने वाली हूँ स्नीकर्स। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आउटफिट की। कैरी के एक जंप सूट जो कि मैंने एक वुलन टॉप के साथ कैरी किया है, बिकॉज अभी विंटर्स चल रही हैं, तो विंटर्स में हम हमारे जंपसूट को किसी भी वुलन टॉप के साथ कैरी कर सकते हैं ईजिली। आप किसी भी वाइट कलर की, ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की वुलन टॉप के साथ इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। एंड ये आउटफिट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है कॉलेज गर्ल, जिसे मैंने पेयर अप किया है विद माई स्नीकर्स। की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टिल देन बाय बाय।